कैसा बना? नहीं रे, नान है, तवा नान। वो छोटा पहाड़, वो बड़ा पहाड़, वो गोल सा पहाड़। अरे क्या कर रही है ये? डर लग गए। चालू करो, चालू करो, चालू करो, चुप हस्ती है, चुप। चलो चालू करो। अगर किसी को लग रहा है कि चिकन में काजू कहाँ से डालने लग गया, तो अभी चिकन नहीं बन रहा है, अभी बन रहा है शाही पनीर। क्योंकि इन मोहतरमा ने घर वालों को बोला था कि आज रात को खिलाएंगे शाही पनीर, तो चिकन का प्लान ड्रॉप करना पड़ गया। लेकिन प्लान कैंसिल नहीं हुआ, ये याद रखें, प्लान कैंसिल नहीं हुआ है, चिकन बनेगा तो जरूर। लफड़ा लो चल रहा है। और अगर किसी को लग रहा है कि ब्लॉग की शुरुआत और ज़्यादातर ब्लॉग किचन के आसपास को घूमता है, क्योंकि मैं छुट्टी पे आऊँ, मैं खाना खाना चाहता हूँ, ठीक है, खाना खाना चाहता हूँ मैं, बहुत सारा, इतना सारा लिस्ट बना के आया था मैं, इतना सारा, तो उसमें एक लिस्ट ये भी है, तो मैं खाएगा, बहुत सारा खाएगा। तुम देखो बैठ के, तुम सालों घर में बैठ के देख रहे हो, देखो रईसों का खाना, ये रईसों का खाना, पानी नहीं डाल रहा, दूध डाल रहा है, बताओ, डालो डालो बिंदा डालो, मलाई गिर गया, अच्छा तो लग रहा है, देखिए एकदम रेस्टोरेंट वाला फील तो दे रहा है, सच में, हाँ अच्छा लग रहा है, अच्छा स्मेल लग रहा है। हाँ तंदूर खाएगा इसके साथ, तंदूरी रोटी खाएगा, तंदूरी रोटी भी आता है, आग कैसे लाए, आग ना किसी ने बनाई है, तंदूरी रोटी उल्टा करके बना लूंगा, उल्टे तवे पे हमारे तंदूरी रोटी बनेगा। हाँ डालो डालो भाई, थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा लहसुन, अपने घर का धनिया ही है, ठीक है, रात को मम्मी तोड़ के लाई है, वो इंसान टॉर्च लेके गया था धनिया तोड़ने, वो ऐसा मेरे को लगा था कि तवा ऐसा होगा, उल्टा तवा बोला तो ये बात कलाकारी बस वो गिर ना जाएगा इसके ऊपर। नहीं नहीं बनेगा चिपकाया तो है, हाथ रुक गए। और ये मम्मी का लौकी का सब्जी पक रहा है, ए वाह, बन रहा है लौकी का सब्जी, बंद करो भूल गया, देखो एक भूल गया इंसान, यहां काम नहीं लग रहा, भूल जाएगा, तुम दोनों खड़े हो, हां कम से कम पक गया, मैं देखना चाहिए ना, हो गया, उसमें वो स्मोकी वाला फ्लेवर आता है, स्मोकी वाला फ्लेवर आता है, तंदूर वाला की थोड़ा आग से निकला हुआ है, ये चम्मच छोटा और बड़ा बना दी ना, कोई नहीं होता है। ओहो डन। तो यहाँ पर शाही पनीर और अपना तवा पराठा बनके तैयार हो गया, वो खाना चालू कर दिए, और कैसा बना? नान है, तवा नान, रोटी है, तंदूरी रोटी, अरे क्या है वो बताओ, फाइनल तंदूरी रोटी, ठीक है, मैं नान सबको अलग अलग लग रहा है। कैसा बना? पापा आधा खा के चले भी गए। इतना तो आता है एक चीज, सुशील देख रहा है ना तू, बहुत टेस्टी बना है सुशील, बहुत ज्यादा टेस्टी, ये घर के लिए बना है, सबके लिए नहीं बनता है। और गुड मॉर्निंग जी, क्या हाल चाल? तो अभी हम लोग पहाड़ों की ओर जा रहे थे ऐसे मॉर्निंग भ्रमण को, तो फिर सोचा क्यों ना भीमताल ही चल रहे, ट्रैफिक कम दिख रहा है, तो अभी तो हम भीमताल की ओर जा रहे हैं, ठीक है, फाइनल ये हुआ। भीमताल 17 किलोमीटर आगे से राइट यही ना, एक बार गूगल मैप देख लेना मैडम, भीमताल 16 अल्मोड़ा 76 पंचेश्वर 189। बढ़िया लग रहा है ना, ये पूरा पहाड़ काट के रोड बना है, पहले मैं आया था तो कटाई हो रही थी यहाँ पे, रोड नहीं था ढंग से, तो कच्ची सड़क थी यहाँ पे, जब लोग जाते थे एकदम बारिश में छप 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 मारते हुए, अभी काफ़ी अच्छी सड़क बन गई है। खंडर, पूरे के पूरे खंडर, HMT की फैक्ट्री थी, वॉच कंपनी की, सब छोड़ छाड़ के चल दिया। तेरे पापा के पास है HMT की वॉच? वाह, पहाड़ का एक चीज बहुत बढ़िया है, ज्यादा रोड बनाने का स्कोप ही नहीं, तो एक रोड पकड़ा तो वही जाना है, तुम्हारा लोचा लफड़े का स्कोप ही नहीं, अगर तुमने एक टर्न मिस कर दिया मतलब कर दिया, जाओ आगे तक। वो देखो हमें वहां ऐसे गोल घूम के ऊपर जाना, ये देखो हो गया उसका कल्याण, हो गया, जल गई क्या पता नहीं, जो भी हुआ लेकिन कल्याण तो हो गया उसका।
हो गया काम। ये पीछे मत आ, हाँ और ऊपर चढ़ा, देख 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 कितना टर्न कैसा है। हाथ जोड़ ले नम्रता, हाथ जोड़ ले, जय माता दी। लो तुमको उस दिख नहीं रहा था ना, फोटो वोटो खींच लो। हाँ क्या बढ़िया दिख रहा है ना, वो पहाड़ मस्त दिख रहे हैं वहाँ से, ऐसे 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 एकदम बच्चे का पेंटिंग बुक। ऊपर 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 आया, देख ना पहाड़ वहाड़ कितना क्लियर होता जा रहा है। नीचे से बस परछाई दिख रहा था ना पहाड़ का, ऊपर से सब इंडिविजुअल पहाड़ दिख रहे हैं। वो छोटा पहाड़, वो बड़ा पहाड़, वो गोल सा पहाड़ वो नन्ना पहाड़। नीचे का व्यू क्या अच्छा लग रहा है। नगर पंचायत भीमताल में आपका स्वागत है। सात ताल ऊपर है भीमताल शहर, यहाँ सात ताल फिर कभी। इतना छोटा है नहीं भीमताल जितना लोग सोच रहे हैं, मतलब जितना मैं सोच रहा हूँ। चलो भैया गाड़ी यहाँ पार्क कर देते हैं। हाँ बढ़िया से बैठने का जगह है ना। आने के बाद सबसे पहले हमने क्या किया, तो मैगी का ऑर्डर, दाल के बाजू में मैगी जरूर खाने का, तो पहाड़ों के नीचे वो भैया अभी मैगी बना के देंगे, उसके बाद हम मैगी खाएंगे। हाँ। मैडम का चीज़ का डिमांड था लेकिन चीज़ नहीं, अगली बार चीज़ लेकर आएंगे। वो फुगा रहा है, उसके बाद उसको पानी में फेंकेंगे, फिर मैं उसको इसके अंदर फेंकूंगा। अभी तक मार्केट पूरी खुली ही नहीं है, 8:20 को ही हम पहुँच गए यहाँ पर, मतलब 20 मिनट तो मैंने थोड़ा सा ये करने में लगा लिया। 8 बजे पहुँचे थे, 7 बजे निकले, 8 बजे पहुँच गए। मार्केट अभी खुल रही है, अंडा बन तक नहीं मिला यार मेरे को। मैगी, ये मैं और तालाब, और हम बैठे हैं क्या बोलेंगे उसको, घाट, घाट पर बैठे हैं, और ऐसे बारिश की 3-4 बूंदे भी गिरने लग गई है, तो हम अटक भी गए हैं शायद। लेकिन हम हैं यहाँ पे। ये मछली, मछली है, मछली दिख रहा है तुमको, दिखा वो देख, मछली मछली बढ़िया से मछली घूम रही है भाई। बतख आ गए, बतख आ गए, बतख आ गए। मैं ही खाने आएगा सच में, भाग साले हट, मछली का वहाँ जाके उसको मछली खाने दो, मैगी नहीं। क्या दे, कुछ है भी नहीं हाथ में देने को, हाथ घुमा रही है। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा हिलाने की फटके 5। तो बुला मत ना भाई, क्या डर डर के दिए। नहीं है रे, नहीं है, जा जा तुम लोग जाओ। फालतू को उंगली करती है उसको देख। अरे वो वैसे भी आते होंगे। बढ़िया लग रहा है, थोड़ा सा पानी भी ऐड हो गया मैगी में, लेकिन चलो कोई बात नहीं, चले गए वो देख, सारे के सारे चले गए। तेरे को देख के आए थे, उनको उम्मीद था कुछ खिलाएगी लेकिन कुछ नहीं खिलाया। मस्त व्यू है ना ये, अपने डिटेल भीमताल के समुद्र तल से ऊंचाई 1370 मीटर, ओके गहराई 218 मीटर। 18 मीटर तो बहुत ज़्यादा हो गया यार, काफ़ी ज़्यादा हो गया। वहाँ मैडम घूम रही हैं, पहाड़ों के मज़े ले रही हैं, पहाड़ वहाँ दिख रहे हैं। तो अभी हम लोग चल रहे हैं डैम, अगर तुमको लग रहा है कि यहाँ डैम कैसे है, मैं दिखाता हूँ। यहाँ दिख रहा है कि पानी वानी कुछ है, मतलब दिख नहीं रहा होगा, या नीचे में डैम है, मतलब ये डैम है, वहाँ पानी वानी छोड़ा जा रहा है और वहाँ पानी जम के ये ताल बना है। वो देख वो दरवाजा, हाँ वहाँ एक दरवाजा है, वहाँ भी है। ताल से व्यू तो अच्छा आता है यार, मानो ना मानो व्यू तो बढ़िया। माना जाता है कि ये ताल भीम ने खोदा, मतलब इतना बड़ा ताल नहीं खोदा था, तो छोटा ताल, उसने छोटा सा खुदाई किया था जहाँ से पानी निकल गया था, वो जब पांडव वांडव वनवास में नहीं थे तब, फिर एक राजा को मिला एरिया तो उसने ताल बनाया, फिर ब्रिटिशर या किसी के टाइम पे यहाँ पे एक डैम बना है, जब ये इतना बड़ा ताल बना, ये बात। और यहाँ पे एक भीम का मंदिर भी है शायद पीछे है, मेरे हिसाब में वो वाला मंदिर जो है वो भीम का मंदिर है। एग्जैक्टली भीम का मंदिर नहीं है, बहुत सारे मंदिर है, लेकिन एक भीम का भी उसमें है पूजा करने का, अगर मैं गलत हो तो सॉरी, ठीक है पहले ही बोल रहा हूँ। मैडम ने ब्रेड लिया बत्तख को खिलाने के लिए, सारे बत्तख उस साइड कहीं चलेगी, एक ही बत्तख आई है, फेंक तो फेंक, मछली तो है नीचे। क्या चल भाई, बत्तख को खाना खिलाने के लिए चल। दे गुदगुदी हुई, ले हाथ से ले।
कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं होता, ले तू भी ट्राई कर जा। बहुत ही बड़ा रखते हैं। जा जा जा, कुछ नहीं हो, छोटा छोटा रख। अरे हाथ से दे रहा, वो कहाँ कर रही, पीछे पीछे डर रही। आगे जा आगे जा आगे जा आगे जा। अरे क्या कर रही है ये? डर लग गया। नहीं कर रही, हाथ से, हाथ से रख, कुछ नहीं होता। ले, कोहरा आना चालू हो गया भाई। कोहरा जब जब इसके पास आना कोहरा आ ही जाता है। yes. वहाँ भी हल्का हल्का कोहरा आ रहा है। क्या ऐसा लग रहा है आग जला दिया ना किसी ने, निकल गया। बढ़िया है भाई, बढ़िया। चल भाई, चल हो गया, पहले बारिश हो जाए। चल चल चल, हो गया अपना आज का घुमाई, डन है, बस इतना ही घूमना था। चलो चलो चलो, लव आई लव भीमताल। चलिए फिर ये वाला व्लॉग को यहाँ समाप्त करते हैं, क्योंकि हमारा घर जाने का समय आ गया है, क्योंकि रिमझिम बूंदें हो रही हैं। भीगने से पहले घर को पहुँचना है, ठीक है? तो नेक्स्ट वाले व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा।